हेलो दोस्तों, मार्केट ने आज सबसे लोवेस्ट पॉइंट को टच किया है दोस्तों, सबसे लोवेस्ट पॉइंट को। लेकिन फिर भी आज आईटीसी में देख सकते हो बहुत बड़ी न्यूज़ आई है दोस्तों। उसी न्यूज़ के दम पर ये स्टॉक जो है अराउंड 7% का अपर सर्किट मारा है। तो वो न्यूज़ आपको ज़रूर पता होना चाहिए अगर आप पैसा लगाना चाहते हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम निफ्टी की बातचीत कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ये रहा निफ्टी आपके सामने। ठीक है, निफ्टी आज के डेट में देख सकते हैं कितना ज़्यादा लोएस्ट गया है। ठीक है, निफ्टी और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 52 वीक लो। ठीक है, और आज का लो, ठीक है, दोनों कितना है दोस्तों, 7800 के आसपास, 7800 के आसपास। मार्केट ने आज सबसे नीचे वाले पॉइंट को टच किया है, सबसे नीचे वाले पॉइंट को टच किया है। लेकिन फिर भी दोस्तों आईटीसी ने बहुत बड़ा बाउंस बैक मारा है। क्यों? इसके पीछे एक न्यूज़ है, वो न्यूज़ बस मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ का टाइमिंग दिखा देना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर 10 o'clock और 11 o'clock के आसपास आया है दोस्तों। ये जो न्यूज़ है 10 o'clock और 11 o'clock के आसपास आया है मार्केट होने ओपन होने के बाद। ठीक है, तो न्यूज़ ये है दोस्तों कि आईटीसी यहाँ देख सकते हैं सबसे बड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा देख सकते हैं, जितना हो सकता था उतना। ठीक है, आईटीसी अप्रूव हायर डिविडेंड पे आउट फॉर 2019-2020। तो दोस्तों 2019-2020 के बीच में आईटीसी ने एक बहुत बड़ा डिविडेंड का ऐलान किया है, बहुत बड़ा। हो सकता है वो डिविडेंड से आपको प्रॉफिट हो। ठीक है, तो वो क्या डिविडेंड है, कितना है, वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो यहां पर देख सकते हैं साफ साफ आपके सामने लिखा हुआ दोस्तों, आईटीसी सेड यहां पर इट विल ऑफर हायर डिविडेंड। ठीक है, इट विल ऑफर हायर डिविडेंड, मतलब कि दोस्तों आईटीसी का यही न्यूज़ आया था कि ये बहुत बड़ा, मतलब कि अब तक का हायर डिविडेंड ये देने वाला है दोस्तों। ठीक है, हायर डिविडेंड ये देने वाला है, पे आउट फॉर द ऑन गोइंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि दोस्तों फाइनेंशियल ईयर का। और ठीक है, मैं आपको न्यूज़ जो है शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, क्या देने वाला है, डिविडेंड। ठीक है, कितना देने वाला है, हायर डिविडेंड देने वाला है। अब हायर का मतलब क्या होता है, कितना दे सकता है दोस्तों, वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो यहाँ से आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, डिविडेंड यहाँ पर देख लीजिए, डिविडेंड पे आउट पॉलिसी फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 2020 के आसपास। ठीक है दोस्तों, ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर यहाँ पर देख सकते हैं इज़ एक्सपेक्टेड टू बी, कितना है वो भी हम देख लेते हैं दोस्तों, 80-85 है। ठीक है, 80-85 यहाँ पर देख लो, 80-85% ऑफ इट्स नेट प्रॉफिट। तो दोस्तों इसका जो नेट प्रॉफिट होगा उसके ऊपर 80-85% के आसपास देगा, हायर देन द नियरली 69% एवरेज। ठीक है दोस्तों, ओवर द लास्ट ईयर। तो ये जो है आपको डिविडेंड देने वाला है। तो भाई अगर आप गिरते हुए मार्केट में आए, यहाँ जो स्टॉक है ये आपको, जो आईटीसी आपको सस्ता लग रहा है, और ये जो कंपनी है दोस्तों आपको 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है। ठीक है, कितना पे मिल रहा है दोस्तों, 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है, ऊपर से आपको हायर डिविडेंड दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, हायर डिविडेंड भी आपको दिया जा रहा है, 50% डिस्काउंट कैसे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो 52 वीक हाई है दोस्तों, 310 रुपीज़ है, कितना, 310। अभी का करेंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा है दोस्तों, 161 रुपीज़। ठीक है, तो देखिए लेकिन लोएस्ट कितना था वो भी देख लेते हैं दोस्तों, लोएस्ट था 150। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए प्रीवियस क्लोज कितना था, 150। आज के डेट में ये देखिए यहाँ जो हाईएस्ट मारा, ठीक है, तो यहाँ आज का जो लोवेस्ट था 144। तो देख सकते हैं 50% डिस्काउंट पे ही आपको स्टॉक मिल रहा है। ठीक है, तो आप सोच लीजिए ये स्टॉक जो है आपको 50% डिस्काउंट पे भी मिल रहा है, हायर डिविडेंड भी आपको देने के लिए बताया जा रहा, अभी नहीं दिया, ठीक है, देने के लिए बताया जा रहा। तो अगर आप ऐसे स्टॉक में इंटरेस्टेड हो तो आप ऐसे स्टॉक को निवेश कर सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ऐसे स्टॉक ज़्यादातर कोरोना वायरस से अफेक्ट नहीं होने वाले, क्योंकि हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे मेरा मतलब नहीं है, मैं ये बोलना चाहता हूँ ऐसे जो प्रोडक्ट है कंज्यूम करने वाले तो लोग रहेंगे ही, चाहे जो भी है, लेकिन जितने वर्कर हैं उनको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जो भी लोग हैं घर में रहेंगे, ठीक है, जितने भी लोग हैं घर में रहेंगे तो दोस्तों घर में करेंगे क्या, उनको तो कोई, मान लीजिए कि अगर कोई काम नहीं रहा तो इंजॉय करेंगे, जो भी है, ठीक है, टाइम पास करेंगे। लेकिन दोस्तों ये एक ऐसा चीज़ है, लत जिसको पकड़ लिया जाता है छोड़ता नहीं, आपको बिलीव नहीं होगा, आप ऐसे ऐसे केसेस सुनोगे जो दोस्तों शेयर मार्केट की लत के वजह से मर्डर कर देते हैं, केस कर देते हैं। ये कोई झूठा न्यूज़ नहीं है, अगर आपको नहीं पता है वो अलग बात है, लेकिन ऐसा है। आपके पास आज के डेट में इंटरनेट है, इंटरनेट में कुछ भी सर्च मारो, इंटरनेट में कुछ भी सर्च मारो, आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, कितने लोग ये भी हैं फाइनेंशियल ईयर की वजह से रोते हैं, बहुत लोग, मतलब इसलिए मैं बोल रहा हूँ गलत रास्ता पर नहीं चलना। ठीक है, आप सोच समझ के अपना जो है ये लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कंपनी ज़्यादा डिविडेंड दे रही है, अच्छा खासा है, तो आप ऐसे स्टॉक में निवेश कर सकते हो। मेरा
काम था आपको इन्फॉर्म करना किस वजह से जो स्टॉक है इतना ज़्यादा भागा है, वो भी गिरते हुए मार्केट में इसने अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है, तो ये मेरा फर्स्ट था आपको बताना, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके इंक्रेज़ कीजिएगा। और नेक्स्ट देखिए, अगर आप चाहते हो कि आप किसी स्टॉक में फंसे हुए हो तो आप प्लीज़ नीचे जो कॉमेंट बॉक्स है उसमें बताइए कि आपको कौन से स्टॉक में प्रॉब्लम है, हम उसके ऊपर जो है वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। ज़्यादातर अगर सेम कॉमेंट आया तो जल्दी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा।